ये कहते हैं इससे क्या होगा। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसे लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की, इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमक लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं, 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा, बताऊं क्या होगा, बताऊं। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा, मेरा पल पल आपके नाम।